हेलो दोस्तों, जय माता दी, जय माता रानी। आप सब पर माता रानी की कृपा बनी रहे। और मैं आज जा रहा हूँ दोस्तों आर्मी कैंटीन में, और घर के कुछ सामान लेने के लिए मेरे साथ जा रही है मेरी दोस्त। और आप सबको एक बार हाई करेंगे। अभी हम आर्मी कैंटीन के लिए जा रहे हैं। जैसे कि आप मेरी व्हील चेयर देख रहे होंगे, एक बार आप दिखा दीजिए। व्हील चेयर गाड़ी में डाल दी है। अब मैं गाड़ी लेकर सीधे आर्मी कैंटीन में जा रहा हूं, तो आप वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों चलते हैं आर्मी कैंटीन, और आपको आज दिखाएंगे आर्मी कैंटीन में हम क्या-क्या सामान घर के लिए लेते हैं। तो दोस्तों थोड़ी देर में आपको रास्ते का सफर मिलते रहेगा। जब भी दोस्तों आप कार चलाते हैं तो जरूर सीट बेल्ट का प्रयोग जरूर करें। बहुत अच्छा सेफ फील होता है। मैं आप सब दोस्तों से, युवा दोस्तों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप जरूर सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो दोस्तों सफर शुरू हो गया है। अब आप को ले चलता हूं आर्मी कैंटीन की तरफ। तो एक बार जयकारा बोल, मां नंदा राज राजेश्वरी की जय। दोस्तों यह मोखमपुर, यहाँ पे एरोडाइन एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट जो आप देख पा रहे होंगे अभी वीडियो में, यह देहरादून का पहला एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट है। अब हम यहाँ पे से यू टर्न लेंगे। ये सामने जो रोड जा रही है वो हरिद्वार के लिए जा रही है। अब हमें क्लेमेंट टाउन जाना है आर्मी कैंटीन में, तो हम यहाँ पे से यू टर्न लेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे भारत पेट्रोलियम संस्थान यहाँ पर है, और मौखमपुर फ्लाईओवर आप इस समय देख रहे होंगे। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाए। तो भाभी जी यहाँ से कितनी दूर है फिर कैंटीन है? अच्छा, तो आज सूरज कह रहा था ना कैंटीन में सामान आ गया बल, तो हाँ बहुत बुरा जाम लगा हुआ है दोस्तों इस समय जोगी वाला की स्थिति। अपने डीजीपी साहब से कहूँगा मैं, जरा स्पेशल यहाँ पे फोर्स लगाइए, क्योंकि 10 मिनट्स हो गए हैं यहाँ पर जाम की, बहुत भयानक स्थिति बनी है। जबकि अभी समय 3:32 हो रहा है। आपको जैसे कि मैं जाम दिखाऊंगा, ये देखो दोस्तों आप, बहुत देर से यह जाम लगा हुआ है इस समय, और आगे भी कहाँ तक है ये जाम पता नहीं। इस समय कैलाश हॉस्पिटल जोगी वाला चौक पर हम पहुंच चुके हैं। सफर अभी 20 मिनट का शायद और लगेगा हमको। दोस्तों बड़ी मुश्किल से जाम से निकलते हुए रिस्मना पुल की तरफ इस समय हम पहुंच चुके हैं। आज शहर में रश भी बहुत है, शायद शादियों का सीजन इस समय चल रहा है। अब हमको सीधे दिल्ली वाली रोड लेनी है। ये आप देहरादून का रिस्मना पुल देख रहे हैं इस समय, हरिद्वार रोड रिस्पना पुल जो ये रोड। राम राम फौजी भाई। कैंटीन सर्विसमैन ना? ना ना, ये तो मैं सर्विसमैन ही हूँ। अभी कुछ महीने हैं भैया, आपने जल्दी। कोई बात नहीं, और नहीं आपने जल्दी करवा दिया ना। फाइनली दोस्तों हम इस समय क्लेमन टाउन पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यो हमारे देश की रक्षा में जो तैनात फौजी भाई रहते हैं,
हम उस एरिया क्लेमेंट टाउन में पहुंच चुके हैं, जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से देख रहे होंगे। काला ग्राउंड है दोस्तों, यहाँ पर काला ग्राउंड के नाम से जाना जाता है। इधर ठंडे का मौसम हो रखा है, ज्यादा ही गांव की तरफ जैसे ठंडा मौसम होता है। आर्मी की गाड़ी जब हम देखते हैं तो सच में हमारा कॉलर खड़े हो जाते हैं। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जरा जूम करके दिखाएगा आशीष भाई। बस फाइनली दोस्तों हम कैंटीन में पहुंच चुके हैं। डीप कैंटीन बोलते हैं भाभी जी इसको, है? हाँ, ये फाइनली डीप कैंटीन है। अब शायद वीडियो बनाने की इजाजत भी नहीं होगी, तो मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। फाइनली दोस्तों हम इस समय कैंटीन में पहुंच चुके हैं, अब सामान भी खरीद दिया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम जब घूमने के लिए आर्मी कैंटीन में सामान के लिए गए थे तो दिन भर पूरे जाम ने बहुत परेशान किया। देख रहे होंगे आप, अभी भी हम घर नहीं पहुंचे। अभी वक्त हो रहा है 6:23। इतना भारी भरकम जाम इस समय लगा हुआ है जोगीवाला में कि मतलब आप पूछिए मत। और आज बहुत थक भी चुके हैं हम, और दोस्तों ने आज की यात्रा जो रही बहुत जाम 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 की स्थिति बनी रही। क्या करें मेरे भाई, लेकिन झेलना तो पड़ेगा। चलने का नाम जिंदगी है, इसलिए ये जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों फाइनली अभी घर पहुंच गए हैं। बहुत जाम लगा था आज, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से अभी घर पहुंचा हूं। अब जरा आराम करते हैं, तब तक के लिए जय माता दी।